फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन न करने पर सिपाही की बेटी बेटे का सर कलम करने की मिली धमकी। फेसबुक पर दोस्ती कर पीएसी के जवान की बेटी से संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन कराने युवती व उसके भाई का सर कलम करने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला आया सामने। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला किया दर्ज। आमरोहा निवासी शाहरुख उर्फ विहान से पीड़िता की फेसबुक से हुई थी दोस्ती। लगभग एक माह पूर्व शाहरुख पीड़ित युवती से मिलने आया था शिकोहाबाद। तभी से युवती के फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की भी दे रहा धमकी। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने सुनाई आप बीती। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रणविजय सिंह ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। पहले फेसबुक पे बात हुई थी हम लोगों की स्टार्टिंग में, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह होने लगी, फिर चैटिंग के बाद बातचीत करने लगे हम लोग एक दूसरे से। फिर आके इसने मतलब हम लोग मुझे बहुत परेशान, फ़ोटो वोटो खींची साथ में इसने मेरे साथ, और यहाँ पे भी आया मैनपुरी चौराहे पे टावा में, और वहाँ पे भी आया हमारे घर पे। तो फिर ये मतलब फ़ोटो खींचने के बाद ये धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फ़ोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। इसने फ़ोटो भी डाली है मेरी, और मेरे घर वालों को धमकी देता था, किस किस को मारने की धमकी भाई थी? को देता था, और भाई से ये कहता था कि मतलब अगर तुम मतलब शादी करोगे तो तुम्हारी बहन को बदनाम कर देंगे, और तुम्हें रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, तुम्हें मरवा देंगे और तुम्हारी बहन को ही मरवा देंगे। ये बताया है सर कलम करने का? हाँ, ये भी करवाया, ये भी बोल रहा था वो। किसने बोला, क्या बोला, किस किस के लिए? भाई के लिए और पापा के लिए क्या हमारे, कहा है? कि तुम्हारे अगर तुम नहीं आओगी तो फिर हम तुम्हारे मतलब पापा को और भाई को सर कलम करवा देंगे। देखिए, 28 तारीख को यानी 2 दिन पहले थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया, और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहाँ पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है, और मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग हमारी टीम लग गई है। हम बहुत जल्दी जो आरोपी है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करेंगे, और जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से हम लोग इस का डिस्पोजल करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।